दोस्तों हमें हर दूसरे तीसरे दिन ये न्यूज आती है कि आधार कार्ड का डेटा लीक हो गया, करोड़ लोगों के आधार कार्ड नंबर्स लीक हो गए, आधार कार्ड का आपके आधार नंबर्स, आपके बायोमेट्रिक सब कुछ लीक हो गया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आधार कार्ड से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कहीं लाखों गुना इंपॉर्टेंट आपका फोन है, क्योंकि आपके फोन में वो सारी डिटेल्स होती है जो आधार कार्ड में नहीं है, और बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स है आपके लिए और सभी के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। देखो मैं आपको बताता हूँ, आधार कार्ड में सिर्फ वो चीजें, आधार कार्ड में क्या है, आपका नाम, एड्रेस, वो सब चीजें, आपको बायोमेट्रिक्स है, आपका फिंगरप्रिंट्स और रेटिना स्कैनर्स, बस इतना ही है। लेकिन आपके फोन में क्या चीजें मैं आपको बताता हूँ, आपके फोन में बहुत जरूरी चीजें, आपके डेबिट कार्ड नंबर्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, वो सारी चीजें, आपके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, बहुत सी चीजें जो आपके फोन में स्टोर है, अगर वो लीक हो गई तो क्या होगा। तो हेलो गाइज, मैं हूं निर्मल फ्रॉम हाईटेक निर्मल यूट्यूब चैनल एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपका आधार कार्ड डिटेल्स लीक होता है जो कि UIDAI द्वारा मेंटेन्ड है, तो उसमें आपको उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान आपके फोन को गुम जाने या आपका फोन हैक होने से होगा। क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, एक स्टडी के अकॉर्डिंग पता चला है कि 34% इंडियन मोबाइल्स में मालवेयर पाया गया है या उनमें वायरस अटैक किया गया है। सो आप समझ सकते हैं कि इंडियंस को कितना ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। काफी सारे लोगों को दुनिया भर के बैंक से कॉल्स आते हैं, मतलब फेक कॉल्स आते हैं, वो आपको कॉल करके बोलेंगे हम बैंक से बोल रहे हैं, आपके कार्ड डिटेल्स निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसे बहुत से मालवेयर अटैक्स और स्पाईवेयर अटैक्स इंडियंस पे किए जा रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि बहुत से अटैकर्स, हैकर्स और जो भी ये जो एंटी कम्युनिस्ट लोग हैं, वो सब आपके जो है इस पे टारगेट कर रहे हैं आपके स्मार्टफोन पे, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके स्मार्टफोन में बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स, बहुत क्रूशियल डिटेल्स आपके फोन में स्टोर्ड है। वो डिटेल्स अगर उनके हाथ लग गई तो उनके बहुत काम की होंगी, बहुत इजीली आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो मैं आपको एक जाने माने एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ, फेसबुक। कोई भी अगर फोन खरीदता है तो सबसे पहले अपने फोन में फेसबुक या व्हाट्सएप ही इंस्टॉल करता है। फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब तो बेसिकली इंस्टॉल ही रहता है क्योंकि गूगल की तरफ से है। तो सबसे पहले आप जो है फेसबुक और व्हाट्सएप हर कोई इंस्टॉल करता ही है उसके फोन में, चाहे आप नया फोन जब भी खरीदे, चाहे कोई भी फोन हो आपका। तो मैं आपको बताता हूँ, फेसबुक आपसे वो डिटेल्स, अगर आप नहीं, आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं, तो आप अपने फोन के सेटिंग्स में जाइए, आप अपने एप्स में जाइए, फेसबुक का ऐप ओपन कीजिए और वहां पे परमिशन चेक कीजिए, क्या क्या परमिशन फेसबुक मांगता है। सो आप खुद जान जाएंगे कि फेसबुक को क्या क्या चीजों की जरूरत है। कैमरा एक्सेस, चलो मान लिया कि फेसबुक को जो है, आप अगर फेसबुक के थ्रू फोटोज या वीडियोज लेना चाहते हैं तो कैमरा, माइक्रोफोन भी ठीक है मान लिया। कॉन्टैक्ट एक्सेस कुछ लोग दे देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। लोकेशन एक्सेस ठीक है, बट आपके फोन में इतनी सारी एक्सेस फेसबुक मांगता है कि आप बिलीव नहीं करेंगे। बहुत से ऐसे एप्लीकेशन जो फालतू की एक्सेस मांगते हैं, जिनकी आप कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस जो है हर किसी को आप देना नहीं चाहेंगे। अभी अमेजोन तो ठीक है नहीं मांगता, लेकिन फ्लिपकार्ट का जो एप्लीकेशन है उसे आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्यों अपना देना चाहेंगे, फिर भी लेकिन कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगता है। तो बहुत से ऐसे एप्लीकेशन जो फालतू की परमिशन आपसे मांगेंगे, आपके डेटा पे जो है आपको पता ही नहीं कि वो क्या क्या परमिशन मांग रहे हैं, और बस चले जा रहे हैं, हम तो यूज कर रहे हैं, हम तो ठीक है भाई, लेकिन वो आपके फोन की बहुत सी चीजें एक्सेस कर रहे हैं। वो आपका कैमरा एक्सेस करते हैं, आपका माइक्रोफोन एक्सेस करते हैं, रिमोटली जो एक्सेस कर सकते हैं आपके फोन को, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये तो वो एप्लीकेशन है जो काफी मतलब वेल रेटेड एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, पूरी दुनिया डाउनलोड कर रही है। बट उन एप्लीकेशन का क्या जो आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो आप बाहर से इंस्टॉल करते हैं, उनके बारे में तो हमें पता भी नहीं कौन कौन सी परमिशन मांग रहे हैं। सो जाइए अपने सेटिंग्स में, एप्लीकेशन का लिस्ट ओपन कीजिए, वहां पे चेक कीजिए कौन कौन सी परमिशन है, और ऑफ कर दीजिए उन सभी परमिशन को जो आप नहीं देना चाहते, क्योंकि आपके फोन की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आधार कार्ड की सिक्योरिटी के कंपेरिजन में। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आधार कार्ड का डेटा आपके लिए मायने नहीं रखता, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहां अगर एक संग आपसे अगर कहा जाए कि आप अपना आधार कार्ड देना चाहेंगे या फोन अपना देना चाहेंगे, तो फोन आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। और आजकल के फोन में आपके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी होती है, उसमें आपका फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगा होता है, उसमें आपके फिंगरप्रिंट स्कैन्स भी होते हैं, बहुत से एप्लीकेशन में आपके रेटिना स्कैन्स होते हैं, और कुछ कुछ आपके फेस हो, सब सारी चीजें, आपके इमेजेस, पर्सनल मतलब प्राइवेट डिटेल्स आपके उनके पास जा रहे हैं सारे। आप चेक कीजिए, बहुत से एप्लीकेशन को गैलरी एक्सेस दिया होता है, आपने कैमरा एक्सेस दिया होता है, वो फोटोज क्लिक कर सकते हैं रिमोटली। सो बहुत खतरनाक हो रहा है आजकल का जो जमाना है, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है, एडवांसमेंट होते जा रहे हैं, उसी तरह से हैकिंग के टेक्निक्स भी बदलते जा रहे हैं, और आपके सामने जो है ले रहे हैं आपके कार्ड डिटेल्स, और आपकी सारी चीजें मार्केट में भेजी जा रही है ओपनली, आपको पता ही नहीं है। फेसबुक और व्हाट्सएप को जो पैसे कमाने का सीक्रेट जरिया यही है, आपकी पर्सनल डिटेल्स मार्केट में भेजते हैं। आपको क्या लगता है कोई कंपनी आपको, कोई नेटवर्किंग या एडवर्टाइजिंग कंपनी आपको फोन करके किसी प्रोडक्ट के लिए कन्विंस करते हैं, उनको आपका नंबर कहां से मिलता है? यही एप्लीकेशन है जो आप रेगुलर यूज करते हैं, आपके वेल ट्रस्टेड एप्लीकेशन है लाइक ट्रू कॉलर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यही सारे एप्लीकेशन जो है आपकी डिटेल्स मार्केट में सेल करते हैं, और बस आपको रैंडम कॉल्स आते हैं। गूगल यहां तक भी इसमें भी इन्वॉल्व है, गूगल भी। सो
ये सारे एप्लीकेशन हैं जो आपकी डिटेल्स मार्केट में बेच रहे हैं, आपको पता नहीं, आपके नाक के नीचे सारे काम कर रहे हैं। तो मेरा काम था आपको जागरूक करना, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप सावधान हो जाइए इन सारे एप्लीकेशन से, क्योंकि ये बहुत खतरनाक एप्लीकेशन है, आपकी लाइफ को बहुत खतरनाक वाले थ्रेट्स दे रहे हैं, क्योंकि ये सारे आपको पर्सनल डिटेल्स, प्राइवेट डिटेल्स सब कुछ ले रहे हैं आपके फोन से और आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो इतनी ही कुछ इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही हो। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, आपके नजदीक लोगों के साथ शेयर करेंगे तो उनके लिए भी काफी इन्फॉर्मेटिव होगा ये वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, क्योंकि मैं ऐसे ही कुछ वीडियोस आप लोगों के लेकर आता रहता हूं। दैट्स ऑल, बाय बाय, पीस आउट।